आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट इन कंक्रीट ऑफ ग्रेड M20 फॉर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कंक्रीट। मतलब जो हमारा कंक्रीट होता है तो उसमें जो हमारा सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट से मिला के कंक्रीट बनाते हैं, तो उसका क्वांटिटीज़ पता लगाना है कि M20 ग्रेड का अगर हमको कंक्रीट बनाना है और 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए, तो उसमें हमको कितना सीमेंट लगना है, कितना फाइन एग्रीगेट लगना है, कितना कोर्स एग्रीगेट लगना है। तो यही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, यही बताएंगे कैसे निकालना है। तो ये कैलकुलेशन करने से पहले कुछ डेटा जो है वो पता रहना चाहिए पहले से, क्योंकि उसका यूज़ इसमें होता है। तो सबसे पहला जो है, जो जैसे कि यहाँ पे आपको M20 ग्रेड दिया है, तो इस ग्रेड का रेशियो सबसे पहला पता रहना चाहिए पहले कि इस ग्रेड का रेशियो क्या होता है, इसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट जो है उसका रेशियो क्या है। तो इसके लिए हम आपको एक बार शुरू से बता दे रहे हैं, M5 से लेके M20 तक का ग्रेड का रेशियो बता दे रहे हैं, और उसमें थोड़ा कैसे उसको याद रख सकते हैं वो भी थोड़ा बता देंगे, कुछ ट्रिक्स है उसमें। तो जैसे कि हमारा ये ग्रेड्स हो गया और ये इनके रेशियो हो गए, रेशियो हो गया। जैसे कि हमारा स्टार्ट होता है M5 से, नॉमिनल मिक्स जो है, नॉमिनल मिक्स ऑफ कंक्रीट जो होता है M5 से M25 तक होता है, तो M5 का जो हमारा रेशियो होता है वो ऐसा होता है 1:5:10। मतलब ये 1 जो है, 1 पार्ट हमारा सीमेंट, 5 पार्ट हमारा फाइन एग्रीगेट और 10 जो है हमारा कोर्स एग्रीगेट। तो इसमें जो भी हमारा M5, M7.5, M10, M15 सभी के लिए जो सीमेंट का जो रेशियो है वो 1 होता है, ये फिक्स रहता है। बस हमारा चेंज क्या होता है, तो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का रेशियो, और उसका वो कैसे चेंज होता है। जैसे कि हमारा फाइन एग्रीगेट यहाँ पे 5 है तो हमारा कोर्स एग्रीगेट 10 है, मतलब इसका डबल होता है, फाइन एग्रीगेट का डबल हमारा कोर्स एग्रीगेट होता है। ये सबके लिए सेम है, तो आपको बस एक काम ये करना है कि बस फाइन एग्रीगेट का जो प्रोपोर्शन है, रेशियो है, वो याद रखें सभी ग्रेड के लिए, तो आपको ये जो रेशियो है सभी का याद हो जाएगा। तो जैसे कि M5 है तो इसके लिए फाइन एग्रीगेट हमारा 5 ही पार्ट होता है, 5 पार्ट होता है, और उसके बाद ये 1:1 डिक्रीज होते जाएगा। हम बताते हैं अभी M7.5 होता है इसके बाद, तो 7.5 के लिए हो जाएगा 1:4:4 का डबल 8 हो जाएगा। वैसे ही इसके बाद M10 होता है, तो M10 के लिए 4:1 डिक्रीज होगा, 3:6 हो जाएगा, 3 का डबल 6। उसके बाद M15 अगर चलेंगे तो ये 1 तो हमारा सबके लिए सेम है, ये 2 था, 3 था, तो ये 2 हो जाएगा और इसका डबल 4 हो जाएगा। M15 तक एक एक डिग्रीज हुआ था, अब हमारा 0.5 डिग्रीज होगा। तो जैसे कि M20 है तो M20 के लिए 1:2 इसमें 0.5 डिग्रीज होगा और इसका डबल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और वैसे ही M25 का देखेंगे तो वहाँ भी हमारा ये 1.5 डिग्रीज होगा, तो ये 1:2। तो ऐसे करके हमारा सभी रेशियो आ गया। तो हमको अभी जो यूज़ करना है वो रेशियो हमारा है M20। तो यहाँ पे हम पहले से यहाँ पे लिख के रख लेते हैं, M20 का रेशियो जो है 1:1.5:3 ये हम यूज़ करेंगे। ये 1 जो है ये हमारा सीमेंट का पार्ट है, ये जो हमारा फाइन एग्रीगेट हो गया, और ये 3 जो है ये हमारा कोर्स एग्रीगेट हो गया, ठीक है, तीनों का रेशियो। अब ये हमारा फर्स्ट डेटा हो गया जो कि आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि कभी कोई दूसरा ग्रेड का भी आपको दे सकता है निकालने के लिए, तो ये हमको इम्पॉर्टेंट रहता है उसमें। तो इसके बाद जो डेटा हमको याद रहना चाहिए वो ये है कि डेंसिटीज, सीमेंट का डेंसिटी, उसके बाद फाइन एग्रीगेट का डेंसिटी और कोर्स एग्रीगेट का डेंसिटी, ये तीनों ही जो हमारा इंग्रीडियंट्स है, उस इंग्रीडियंट्स का हमको डेंसिटी पता रहना चाहिए। तो पहले चलते हैं अपन डेंसिटी ऑफ सीमेंट पे चलते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट होता है 1440 kg/m³। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, M/V, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का केजी अपॉन मीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम, ये हो गया हमारा 1440 kg/m³। वैसे ही हम देखेंगे
डेंसिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट। डेंसिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट जो है वो हमारा होता है 1400, 1600 केजी पर मीटर क्यूब, इतने के बीच में होता है। और हम जब अभी कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हम 1500 डेंसिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट को 1500 यूज करेंगे वहां पे। उसके बाद हमारा आता है डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट ये होता है हमारा 1400 to 1500 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये तीनों जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे कंक्रीट का, इसका आपको डेंसिटी याद रहना चाहिए। ये तीन हो गया। अब इसके बाद ये हमारा तो डेटा है, ये दोनों हमको याद रहना चाहिए पहले से। अब हम कैलकुलेशन में आते हैं। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि हमको कितने वॉल्यूम के लिए कंक्रीट प्रिपेयर करना है, पहले वो चेक करना है। हमको ये पता लगाना है कि कितने कंक्रीट के लिए, कितने कंक्रीट बनाना है, मतलब कितने वॉल्यूम के लिए। तो हमको कोई यहाँ पे हम अभी बना रहे हैं 1 मीटर क्यूब के लिए, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए हम कंक्रीट बनाएंगे। तो ये जो हमारा 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कंक्रीट है, ये हमारा दिया रहता है, ये होता है वेट वॉल्यूम। मतलब जब कंक्रीट बन जाएगा, जब उसमें मिक्सिंग पानी का हो जाएगा, जब वो वेट हो जाएगा, तब हमको 1 मीटर क्यूब चाहिए। तो ये हमारा हो गया वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, जो कि हमारा कितना है 1 मीटर क्यूब है। लेकिन जो अभी हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, जो सीमेंट फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट, ये सभी हमारा ड्राई है। हम ये ड्राई कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसमें मिक्स करेंगे, फिर वो वेट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि हमको हमको अभी क्या करना है, अभी ड्राई सब ड्राई मतलब यूज़ करेंगे, ड्राई सीमेंट हमारा ड्राई रहेगा, फाइन एग्रीगेट भी ड्राई, कोर्स एग्रीगेट भी ड्राई। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वेट डेंसिटी वेट वॉल्यूम दिया है, इसको हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए वेट वॉल्यूम इंटू 1.54, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे वेट वॉल्यूम में, तो वो हमको क्या दे देगा, ये हमको दे देगा ड्राई वॉल्यूम। तो ये हो गया 1 into 1.54 मीटर क्यूब, जो कि हो जाएगा हमारा 1.54 मीटर क्यूब। तो ये जो हमारा वॉल्यूम निकला है, इस वॉल्यूम के लिए हम अब सीमेंट निकालेंगे। इस वॉल्यूम में हमारा 1 पार्ट सीमेंट रहेगा, 1.5 पार्ट फाइन एग्रीगेट रहेगा और 3 पार्ट हमारा कोर्स एग्रीगेट रहेगा। तो ये डेंसिटी हमको निकालना रहता है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो हो गया, डेंसिटी नहीं सॉरी वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम ये निकल गया है। अब इस पे हम क्या करेंगे, निकालेंगे सीमेंट सैंड और जो एग्रीगेट है उसका क्वांटिटीज़। और ये क्वांटिटीज़ जो निकालेंगे, तो ये आपको हम मीटर क्यूब में भी निकाल के बता देंगे, और फिर उसको CFT में भी बता देंगे, क्यूबिक फीट में कैसे निकलता है, और फिर उसका मास किलोग्राम केजी में भी कैसे निकलेगा वो भी बता देंगे। तो अब हम निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पहले। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए क्या होता है, कैसे क्वांटिटी निकलता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसे कि क्वांटिटी सीमेंट या आपको कोर्स एग्रीगेट या फाइन एग्रीगेट किसी का भी निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है। क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला होता है रेशियो अपॉन समेशन ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। मतलब रेशियो मतलब अगर सीमेंट का निकालना है, तो सीमेंट का रेशियो इसमें कितना है, 1 है, और समेशन ऑफ रेशियो मतलब ये तीनों ही का सम कर देंगे रेशियो का, इनटू ड्राई वॉल्यूम कर देंगे, जो कि 1.5 निकाले हैं। तो यहाँ पे निकाल के आपको बता दे रहे हैं। ऐसे ही अगर हमको फाइन एग्रीगेट का करना रहेगा, तो रेशियो फाइन एग्रीगेट का कितना है, 1.5 है, समेशन ऑफ रेशियो मतलब ये तीनों ही रेशियो को जोड़ देंगे, जो कि 5.5 हो जाएगा, इनटू ड्राई वॉल्यूम जो कि 1.5 हो रहा है। वैसे ही कोर्स एग्रीगेट के लिए भी ऐसे ही होता है। चलिए एक एक हम बता दे रहे हैं। सीमेंट का निकालना है, तो सीमेंट का रेशियो 1 है, 1 अपॉन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5.5, 1 प्लस 1.5 प्लस 3 तीनों मिला के 5.5 आ जाएगा, इनटू हमारा ड्राई वॉल्यूम बोला है, जो कि कितना है, 1.54 है। इसका मतलब ये है कि इतना पार्ट,
1.54 का जो कि हमारा वॉल्यूम है वो क्या है, हमारा सीमेंट है, यही है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 0.28 मीटर क्यूब। तो ये हम निकाल लिया आपको क्यूबिक मीटर में, यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्यूबिक। अब हमको अगर क्यूबिक फिट में चाहिए, क्यूबिक फिट में चाहिए, तो इसको क्या करेंगे हम 0.28 इंटू 35.315, तो ये हो जाएगा हमारा सी एफ टी। क्यूबिक फीट का शॉर्ट फॉर्म होता है सी एफ टी। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 35.315 सी एफ टी होता है, इसी से यहाँ पर कन्वर्ट किए हैं। तो इसको अगर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 9.88 सी एफ टी सीमेंट आ गया। लेकिन हमको सीमेंट नंबर ऑफ बैग्स या तो केजी में चाहिए रहेगा, तो उसके लिए हमको क्या निकालना होगा, मास। और मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और यहीं पे वो डेंसिटी जो हम आपको आगे बताए थे यहीं पे यूज करना रहता है। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम हमारा कितना निकला है, यहाँ पे मीटर क्यूब वाला वॉल्यूम यूज करेंगे 28 इनटू डेंसिटी कितना था सीमेंट का, 1440 था। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 403.2 केजी। जब हमको केजी में आ गया तो यहाँ से हम नंबर ऑफ बैग्स निकाल सकते हैं। एक बैग का मास होता है 50, तो इसको 50 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको 50 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 8.06 बैग्स। तो ऐसे करके हम निकाल लिए सीमेंट का क्वांटिटी आपको क्यूबिक मीटर में भी, क्यूबिक फिट में भी, और मास भी इसका, उसके बाद नंबर ऑफ बैग्स भी निकाल लिए, ऐसे करके निकल गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे क्वांटिटीज ऑफ फाइन एग्रीगेट या सैंड। अब हम निकालेंगे क्वांटिटीज़ ऑफ फाइन एग्रीगेट। तो क्वांटिटीज़ ऑफ फाइन एग्रीगेट के लिए यही रेशियो वाला यही फॉर्मूला लगेगा हर जगह। तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना रेशियो है फाइन एग्रीगेट का, जो कि 1.5 है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 1.5 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो 5.5 हो जाएगा, इनटू हमारा ड्राइव वॉल्यूम कितना है 1.54 है। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा 0.42 मीटर क्यूब। तो ये क्यूबिक मीटर में आ गया। अब यही क्यूबिक मीटर को अगर आपको सी एफ टी में चेंज करना है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 0.42 मीटर क्यूब आ गया, जो कि क्यूबिक मीटर में आ गया। लेकिन आपको क्यूबिक फिट में अगर चाहिए है तो इसको क्या करना होगा, 0.42 इंटू 35.315 सी एफ टी ये हो जाएगा। और इसको जब हम करेंगे कैलकुलेशन तो ये जाएगा 14.83 सी एफ टी। अब उसके बाद हमको मास निकालना होगा इसका, कि ये कितना केजी हो रहा है, ये तो अभी हमको वॉल्यूम निकला है। मास के लिए हमको क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब वाला यूज़ करेंगे जो कि 0.42 आ गया, और डेंसिटी हम पहले ही बता दिए थे यहीं पर यूज़ करने के लिए बताए थे। तो इसका कितना लेना है, 1500 लेना है, तो 1500 लेंगे। तो इसके बाद जो इसका आ जाएगा हमको मास, वो हो जाएगा हमारा 630 केजी। तो ऐसे करके हम ये भी पता लगा लिए कि हमारा जो फाइन एग्रीगेट है उसका या तो वॉल्यूम चाहिए, तो आपको वॉल्यूम निकल गया सी एफ टी में भी और मीटर क्यूब में भी, अगर मास से है तो 630 केजी लगेगा। अब हम निकालेंगे क्वांटिटीज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट का क्या है हमारा रेशियो, यही फार्मूला फिर यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, जो कि हमारा 3 है अपॉन 5.5 है। रेशियो हमारा कोर्स एग्रीगेट का कितना, 3 है, तो 3 अपॉन टोटल तीनों को सम कर दिए तो 5.5 इंटू डीवी, मतलब हमारा ड्राई वॉल्यूम जो कि 1.54 आ गया। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.84 मीटर क्यूब, ये हमारा क्यूबिक मीटर में आ गया, क्यूबिक मीटर में आ गया। अब हमको अगर क्यूबिक फिट में चाहिए है तो क्यूबिक फिट के लिए क्या करेंगे, क्यूबिक मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 35.315, तो ये हो जाएगा हमारा सी एफ टी में कन्वर्ट। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाता है 29.75
6.66 CFT। हमको अगर मास चाहिए तो मास निकालने का फॉर्मूला है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम हमारा कितना है 0.84 है, इनटू डेंसिटी इसका बोले थे 1500 लेने के लिए, यूज़ करने के लिए, तो ये करने के बाद ये आ जाएगा 1260 kg। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा सीमेंट था वो कितना लगा है, उसके बाद फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट, तो कोर्स एग्रीगेट हमारा हो गया 1260 kg। उसके बाद जो हमारा फाइन एग्रीगेट था, फाइन एग्रीगेट हमारा 630 kg लगा था। उसके बाद 403.2 kg हमारा सीमेंट था, और इन सभी का जो हमारा वॉल्यूम जो है आया है वो वॉल्यूम का सम करके हमको 1.54 आना चाहिए। तो उसके बाद ये पता चल जाएगी हमारा कैलकुलेशन सही है। तो इसका वॉल्यूम हमारा कितना है 0.84 आया है, फाइन एग्रीगेट का आया था 0.42, और हमारा सीमेंट जो था उसका आया था 0.28। तो इन तीनों ही को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है, 0.28 प्लस 0.42 प्लस 0.84, और ये हमारा आ गया 1.54 m³। तो इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है, और यही वॉल्यूम को हम कन्वर्ट किए हैं मास में, तो हमारा जो ये मास जो भी लिए हैं ये मास भी हमारा सब सही है। तो ऐसे ही करके हम कैलकुलेशन करते हैं क्वांटिटीज ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट इन कंक्रीट। तो अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।